डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट की जांच से उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला खुलेगा। मामले में नोएडा एसटीएफ की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रमोद पाठक के व्हाट्सएप पर सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आया था, जिसे उसने डिलीट कर दिया। एसटीएफ चैट रिकवर करने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि डिलीट किए गए चैट की जांच से कई राज से पर्दा उठेगा। अभी एसटीएफ के रडार पर कई लोग हैं। एसटीएफ की टीम कई स्थानों पर दबिश दे रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा फरवरी में हुई थी। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दिया गया था। इस मामले की जांच में एसटीएफ चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में पेपर लीक का बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। एसटीएफ ने झांसी से मोनू और बिहार निवासी रजनीश रंजन को गिरफ्तार किया है।